क्योंकि मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त जय हिंद। दोस्तों आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आर्मी एससी सेंटर साउथ और नॉर्थ रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा आर्मी के ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और इसको अप्लाई करने की अंतिम तिथि थी 12 मई 2023। आशा करता हूँ सभी एलिजिबल कैंडिडेट ने इसको समय रहते हुए अप्लाई कर दिया होगा। दोस्तों अभी ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको अभी यह नहीं पता है कि जो ये आर्मी के ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी आई थी इसमें लिखित परीक्षा पहले होगी या फिर फिजिकल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा रिसर्च किया और लोगों से जानकारी ली। उसके बाद मैंने सोचा इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बना देता हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसलिए आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आपके सामने लाइक का बटन इसे आप दबा दीजिए और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर हर एक रिक्रूटमेंट संबंधित सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आर्मी एससी सेंटर बैंगलोर के लिए जितने भी पदों पर वैकेंसी निकली थी इसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ही फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों उसके पीछे एक कारण भी है, ये जो वैकेंसी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए निकली थी इसमें सभी जो पद हैं इन सभी के लिए लिखित परीक्षा कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और जो लोग लिखित परीक्षा में सफल होंगे उसके बाद ही उनको फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग कंफ्यूज ना हो, अभी से लिखित परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। आप लोग अपना जी जान लगा दीजिए और अपना 100% देने की कोशिश करें, क्योंकि इसके एडमिट कार्ड जल्द ही 1 या 2 महीने में आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत कम समय है। आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना है। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस के रिगार्डिंग मैं 1-2 दिन में एक वीडियो बना दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग तैयारी में लग जाइए, हिम्मत बिल्कुल मत हारना, क्योंकि मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त हौसले से उड़ान होती है, तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप लोग तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आर्मी एससी सेंटर बैंगलोर रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके राय जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।